उत्तराखंड में उत्तरकाशी में यमुना में फंसे एक घोड़े का रेस्क्यू किया गया। बता दें करीब साढ़े सात घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में एसडीआरएफ की टीम ने घोड़े को आखिरकार यमुना से बाहर निकाल ही लिया। यमुना नदी क्रॉस करने के दौरान में ये घोड़ा उफनती लहरों के बीच में फंस गया था। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से घोड़े का रेस्क्यू किया गया है। एक बेजुबान की तकलीफ को एनडीआरएफ की टीम ने समझा और साढ़े सात घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में आखिरकार सफलता मिली। घोड़े के फंसे की खबर जैसे ही एसडीआरएफ की टीम को मिली, पुलिस की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू करना शुरू किया गया। काफ़ी मशक्कत की गई, कई बार कोशिशें की गई लेकिन कई बार कोशिशें नाकाम साबित हुई, लेकिन आखिरकार साढ़े सात घंटे की मशक्कत के बाद में टीम को सफलता मिली और उस बेजुबान की जान आखिर बचा ली गई। तस्वीरों में देखिए उफनती लहरों के बीच में कैसे घोड़ा फंसा हुआ है, रस्सी के सहारे इस घोड़े को बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की पूरी टीम लगी रही वहां पे, जो लोकल लोग थे वो भी पूरे लगे रहे घोड़े को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए नजर आए। Let's go!